क्या मिस्टर एमिर अभी भी अपने प्राइवेट चैम्बर में हैं? जब वो घर आए तब वो अजीब बर्ताव कर रहे थे। उन्होंने मिसेस निहान के बारे में भी नहीं पूछा। अच्छा? हाँ। ज़रा मैं तुम पे तुम्हारे ही पैतरे आजमाऊंगा। मुझसे डर कर रहो तुम, क्योंकि अब तुम्हारा दिल मेरी हथेली पर है मिस्टर एमिर। मुझे अकेला छोड़ दो। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। जब भी मैं तुम्हें अपसेट देखती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। मुझे तुम्हारी चिंता होती है, मैं खुद को रोक नहीं पाती और बस इसीलिए मैं तुमसे नफरत करती हूँ। काश मैं तुम्हारा दिल सीने से निकाल लेती। क्योंकि आज तक मेरे अलावा किसी भी बेवकूफ ने तुम्हारे इस दिल पर आज तक यकीन नहीं किया। तुम बेवकूफ हो। हाँ हूँ, लेकिन मैं फिर भी तुम पर यकीन करती हूँ। मैं फिर भी तुम्हारे पीछे खींची चली आती हूँ। ये सारी बकवास बातें हैं। मैं तुम्हारे प्यार में कैद हूँ। बेकार में कोशिश कर रही हो। क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? नहीं। क्या तुमने मुझसे कुछ नहीं सीखा? तो सिखा क्यों नहीं देते? तुमसे कैसे डरना है वो तुम मुझे सिखाओ। ये सिखाओ कि मुझे तुमसे प्यार कैसे नहीं करना चाहिए। अफसाने, मैं जनब को कब से ढूंढ रहा हूँ, दिख नहीं रही। मिस्टर ओजान, मैंने भी उन्हें नहीं देखा, शायद जिम में होंगी। ये सिरकी ट्रेन स्टेशन का सेफ बॉक्स है। ये माल क्योंकि ये एंटीक है, इसीलिए सिर्फ ऐसे वॉल्ट्स वहीं के स्टेशन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच मिस्टर जेमिन, हैव अ नाइस डे। अरे ज़ैनब, मुझे लगा ज़ैनब आई है। ज़ैनब कहाँ है? पता नहीं कहाँ है, उसका फोन भी कमरे में ही है। शायद वो वॉक करने गई होगी। हाँ शायद, मैं बाहर जाके देखता हूँ। अफसाने, एमिर कहाँ है, वो घर पर है? जी, वो अपने चैम्बर में है। उन्होंने कहा कि कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे। ओके
मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ओजान से मत कहना। एमिर, यहां से चली जाओ निहान, मैं ठीक नहीं हूं, मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना है। मुझे जाना चाहिए। हाँ, वही ठीक रहेगा। क्या वो नहीं मिली आपको? मैं सिर्फ एमए के कमरे में नहीं गया, जाके पूछता हूँ, शायद उन्होंने कहीं देखा हो। ओजान सर, मिस्टर एमिर ने कहा है कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे, उनकी तबीयत ठीक नहीं। अरे, आपने जैनब को कहीं देखा है क्या? हाँ देखा, अभी भी देख रहा हूं उसे। अरे आमिर कहाँ? गार्डन में। अच्छा, थैंक यू। जैनब, कहाँ थी तुम? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, कहाँ चली गई थी? मैं यहीं तो हूँ ओजान। मैं तुम्हें यहाँ भी ढूंढने आया था। कोई बात नहीं, चलो क्यों ना कमरे में चलें। तो आखिर तुम दोनों ने एक दूसरे को ढूंढ ही लिया। हाँ निहान, सच में मैं कितना घबरा गया था। वो तो आमिर ने मुझसे कहा कि ये गार्डन में है, तब मैं इसे यहाँ ढूंढने आया। तुमने किसी को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया ज़ैनब? ये प्रॉपर्टी कितनी बड़ी है, मैं तो यहाँ वॉक के लिए आई थी। मैंने सोचा नहीं किसी को कुछ पूछना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ से कहीं बाहर तो नहीं गई, तो मैंने किसी से पूछा भी नहीं। हाँ ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। अरे ओजान, चिंता करने की कोई बात नहीं है। इस घर में चिंता की कोई ना कोई बात रहती ही है ज़ैनब। Thank you.
I missed you so much, Zainab. तुमसे एक पल की भी दूरी बर्दाश्त नहीं होती. मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता. प्लीज ओजान, मैंने आज बहुत वॉक की है, थक गई हूँ. तुम्हें मसाज दे दूं? अगर मैं शावर ले लूंगी तो शायद ठीक लगेगा. और तब तक तुम हमारे लिए कोई मूवी सेलेक्ट कर सकते हो. हाँ, मैं अब करीब हूँ, बहुत करीब. कुआं, सुनो सुनो, हम हमेशा इसे भूल जाते हैं. हम हमेशा खुद की आवाज सुनते हैं, पर पता है हमें ये सन्नाटा, हम इस सन्नाटे को हिम्मत देते हैं कि वो हमें सांस नहीं लेने देता है. केमाल, तुम मुझे डरा रहे हो. तुम्हें आज हो क्या गया है? कुछ नहीं. अगर हम कल कुछ ढूंढ नहीं पाए तो, पर मैं ढूंढता ही रहूंगा निहान. मैं तब तक ढूंढूंगा जब तक मुझे सच पता नहीं चल जाता. तुम मुझे रोक नहीं पाओगी. क्योंकि मैं भी खुद को रोक नहीं पाऊंगा. अब सबर का बांध टूट चुका है. अगर हमने ढूंढ लिया कि ओजान मासूम है तो तुम्हें वो करना होगा जो जरूरी है. आजकल मैं जितना खुद को सुन रहा हूं उतना ही मैं अंदर ही अंदर घुटता जा रहा हूं निहान. पता है अब मैं बिल्कुल ही अलग इंसान बनता जा रहा हूं. इतना अलग कि मैं खुद को पहचान नहीं पा रहा. पता नहीं मुझे क्या हो गया है निहान. दिन ब दिन मैं बदलता जा रहा हूं. मुझे बस सच का पता लगाना है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता निहान. केमाल, खुद से डर लग रहा है और आने वाले पल में क्या कर सकता हूं उससे भी लग रहा है. इस रात के सन्नाटे की तरह अमीर को भी अंधेरा खा जाएगा. अगर वो जो कर रहा है वो गलत है तो मैं जो कर रहा हूं वो भी बिल्कुल सही नहीं है. मैं उसके खिलाफ लड़ रहा हूं निहान. लेकिन तुम जानती हो इस अंधेरे की रोशनी कौन है? वो रोशनी है तुम्हारा चेहरा, तुम्हारे चेहरे की यह चमक. लेकिन एक वक्त के बाद ये भी मुझे रोक नहीं पाएगी, ये मैं जानता हूं. नहीं रोक पाएगी. और अगर ये खत्म नहीं हुआ तो मेरी और एमिर की कब्रों पर बस ऐसा ही सन्नाटा होगा जैसे कि इस रात का है, बिल्कुल ऐसे ही. डरा रहे हो तो डरो, डरो निहान, क्योंकि मैं भी डरा हुआ हूं. मैं खुद से बहुत डर गया हूं. मैंने तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार किया है, खुद से भी ज्यादा प्यार किया.
अगर ताला खुल जाता है तो हमें सच का पता चल जाएगा जो हम इतने वक्त से ढूंढ रहे थे, और फिर मैं तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे भाई को, एमिर को, सबको खत्म कर दूंगा, खासकर तुम्हारा पति एमिर तबाह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं। और फिर तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मेरे पेरेंट्स नहीं है सर। इंटरेस्टिंग। उनकी आत्मा को शांति मिले। क्या हम साथ में उनके कब्र पर चल सकते हैं? मैं नहीं जानता हूं कि उनकी कब्र कहां है सर। मैं जानता हूं। मिशन सक्सेसफुल। हाँ, मैंने मेरा ब्लड सैंपल्स को बदल के तुम्हारे रख दिया। बोलिए। मिस्टर केमाल, आपके टेस्ट की रिपोर्ट्स तैयार हैं। जी ठीक है। नेगेटिव है, कुछ भी मैच नहीं हुआ है। तुम बिल्कुल सही थे तूफान, तुम एमिर के भाई नहीं हो।
जैसा आपने बोला था, आपके लिए हमने रिपोर्ट्स जल्द से जल्द तैयार कर लिए। और रिपोर्ट्स उस आदमी के साथ 99% मैच हुई। क्या तुम श्योर हो? मिस्टर एमिन, आप और तूफान बायोलॉजिकल भाई। किमार इसे खोलो, मैं टेंशन से मर जाऊंगी। सिर्फ और सिर्फ गेम खेला है तुम्हें पाने के लिए। भाई बेकसूर है, मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूं। ये झूठी शादी अब खत्म। नहीं जा सकती। जा रही हूं एमिर, और तुमने जो हमारी प्रॉपर्टी जब्त की है उसका भी हिसाब चुकाना होगा तुम्हें एमिर, समझे तुम? ऐसा नहीं कर सकती निहान। फिर तुम रुको, रुक कर सोचोगे तो शायद समझ में आ जाएगा तुम्हें। तुम सिर्फ एक ही एंगल से सोच रही हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम सच में बेशर्म हो एमिर। नहीं, तुम मुझे तकलीफ दे रही हो ये कहकर कि तुम मुझे छोड़कर जा रही हो।
तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती निहान। एक और जरूरी बात, और वो ये है कि तुम चाहकर भी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, समझी तुम? इसके बावजूद? सिर्फ एक रिकॉर्ड को देखकर कैसे पता कि ये मेरा प्लान? नो वे एमिर, अगर तुम ये कहना चाहते हो कि तुम इनोसेंट हो तो मैं इनोसेंट नहीं हूँ, तुम भी नहीं हो। ये जानते हुए भी कि ओजान मर्डरर है, उसे बचाए रखा। ओजान मासूम नहीं है निहान, ओजान ने उस लड़की को गोली मारी है और हमने उसे दफनाया है। हाँ, मैंने ओजान को छुपाया, मैंने खुद को भी छुपाया, लेकिन मैंने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भी बचाया है, सबको बचाया। मैं सच कह रहा हूँ। मैं तुम पर कैसे यकीन कर लूं एमिर? ये रिकॉर्डिंग सब सच बताती है। तुमने उस लड़की पर ब्लड बैग्स लगाई, फिर कैरन ने एक ब्लैंक फायर किया, फिर तुम और कैरन गेम शुरू होने तक का इंतजार करते रहे, और अगर ये वीडियो प्रूव नहीं कर सकता कि ये गेम है तो और क्या कर सकता है, बताओ मुझे जरा। चलो ऐसा मानते हैं कि तुम जज बन जाओ और मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने अभी अभी ये वीडियो देखा है। हमें उस कैरन और उसके पति ने बेवकूफ बनाया है, मैं मासूम हूँ। कैरन के हस्बैंड ने मुझसे ये कहा कि ओजान मासूम है, और कैरन भी तुम्हारी शिकार थी, समझे? निहान ध्यान दो और मेरी बात सुनो। मैंने उस वीडियो में लिंडा को गन नहीं दी, कैरन ने दी। मैंने कोई ब्लड बैग्स नहीं देखी। मैंने कैरन से हॉल में किसी और टॉपिक पर बात की। मैंने ओजान को वो रात तोहफे में देना चाही। फिर क्या हुआ? हमने बंदूक की आवाज सुनी और ओजान भागते हुए आया, ये कहते कि उसने लिंडा को मार दिया। क्या ये अब भी कंफ्यूजिंग लग रहा है? तुम बस मेरी गलती देख रही हो, लेकिन तुम ये सच्चाई देखना ही नहीं चाहती। एक बात ध्यान से समझ लो, सच्चाई ये है कि ओजान ने उस लड़की पर गोली चलाई, ओजान ने उसे जान से मारा है। मुझे तुम पर यकीन नहीं है मिर, वो लड़की उस कब्र में नहीं है क्योंकि ओजान ने उसे नहीं मारा, तुमने उसे पैसे देकर वहाँ से भेज दिया। मुझे यकीन है कि तुमने कैरन को भी पैसे दिए होंगे, कंफर्म। और जब तुम्हें लगा कि वो मुझे सब सच बता देगी तो तुमने उसे गायब ही कर दिया। और तुम उस आदमी से प्यार नहीं करती जो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। मैं तुम्हारे लिए सही हूँ निहान, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर तुम्हारे भाई में तुमसे आधा भी सेल्फ कॉन्फिडेंस रहा तो सिर्फ ये वीडियो तुम्हें बर्बाद नहीं करेगा, समझे तुम? तुम्हें देखकर ये समझ आता है कि तुम जानते नहीं कि तुमने क्या किया है। ये तुम्हारी बुरी हार है, तुम बुरी तरह हार गए अमीर। निहान, तुम मेरे खिलाफ कुछ प्रूफ नहीं कर सकती, तुम ओजान को मुसीबत में डाल दोगी। अमीर, तुम्हें मैं सच में सुनना नहीं चाहती हूँ, प्लीज। मत करो ऐसा, तुम सब खेल बिगाड़ दोगी। अगर ये वीडियो लेकर तुम पुलिस के पास गई तो ओजान मुसीबत में होगा, हम सब मुसीबत में होंगे, लेकिन तुम्हारा भाई खून के इल्जाम में जेल चला जाएगा, समझी तुम? एमे, तुम हर बार धमकी देते हो, सच्चाई नहीं बोलते हो, लेकिन आज तुम्हारा चेहरा कुछ और बोल रहा है। तुम्हारा चेहरा साफ कहता है कि तुम बर्बाद हो, समझे? बुरी तरह बर्बाद। ऐसा नहीं हो सकता। ये तो हम देखेंगे। मुझे तुम पर यकीन नहीं, मेरा भाई मासूम है। आज के बाद तुम मुझे इस घर में या अपने साथ रहने के लिए नहीं रोक सकते। ओजान कहाँ है? वो बाहर गए हैं। ठीक है, मैं उसे मिलाती हूँ। तुम मेरा बैग तैयार करो, मैं बस अभी आती हूँ, ठीक है? कुछ तैयार मत करो निहान, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मुझे जाने दो एमिर। मैंने तुम्हें रुकने कहा। मैं लौट कर सबको सच बता दूंगी, यहाँ रहना या नहीं रहना अब ये तुम्हारे ऊपर नहीं है। मुझे लगता है तुम्हें ये कंट्री छोड़कर जाने का प्लान बना लेना चाहिए। मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। छोड़ो मुझे। देखो, मैं इसकी कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। ये अच्छी बात है, मैं यही चाहती हूँ, अब मुझे जाने दो। मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। तुम मुझे और बेवकूफ नहीं बना सकते, तुम मेरी जिंदगी के 5 साल छीन चुके हो। वो खूनी है। ठीक है तो साबित करो मुझे।
अगर तुम्हारे पास सबूत है तो मेरे सामने लेकर आओ। इस तरह से मेहनत मत करो, मुझे खींचो मत, समझ गए? मैं साबित करूंगा। तुम में इतनी ताकत नहीं है, तुम खत्म हो चुके हो मिस्टर एमर, और निहान का 5 साल का ये दर्द कभी खत्म नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मुस्तफा दरवाजा खोलिए। मैंने कहा खोलिए। क्या हुआ? सब कहती हूँ, पहले हम यहाँ से चलते हैं कहीं। तुम ठीक हो ना? एमिर मुझे अभी तुम्हें और उजान को मार देने की धमकी दे रहा है। उसकी धमकियाँ खत्म नहीं होती। तो हमें पुलिस के पास जाना चाहिए, कहेंगे कि वो तुम्हें धमकी दे रहा है और उनसे प्रोटेक्शन मांगेंगे। हम एमिर के चाल चलने का इंतजार नहीं कर सकते। तो फिर? फिर क्या? तुम अपने परिवार से बात करोगी और फिर हम ये पूरी की पूरी कहानी जाके पुलिस को बताएंगे। बोलो। निहान के माल के साथ जा रही है। क्या? आपने सही सुना, निहान जा रही है पापा, और मेरे पास उसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं है। पापा, उन्हें उस रात का वीडियो मिल गया है, उन्हें पता चल गया है मेरा प्लान था। एमिर, क्या आप भी मुझे धमकी देंगे पापा, बताइए मुझे। एमिर, तुम क्या बोल रहे हो बेटा, तुम्हें पता है तुम परेशान हो। मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा पिता हूँ? मैं किसी भी कीमत पर नहीं चाहूंगा कि तुम नाराज हो, तुम दुखी हो। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मुझ पर यकीन करो, मेरी औलाद दुखी हो ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगा। कर सकते हैं आप, मुझे अपने कंट्रोल में लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो आप मुझे पूरा वीडियो दीजिए। जिस बंदूक पर ओजान की फिंगरप्रिंट्स थी वो ढूंढिए। एक मिनट को। वो पिस्तौल ढूंढने के लिए कह रहे हो जो, तो क्या वो हमारे पास नहीं है? अमर, शांत हो जाओ। मुझे सच सच बताओ, क्या औजान ने उस लड़की को मारा था? हाँ पापा, हाँ। लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है। ब्लैकमेलर के पास सारे सबूत हैं। ये सब बेतुका है, लेकिन आप मेरी आखिरी उम्मीद थी। मुझे लगा आप ही ब्लैकमेलर। देखो, तुमने इतने सालों से जैसे निहान को रोक रखा था, बिल्कुल वैसे तुम आज भी करोगे। शांत हो जाओ। मुझे कुछ काम है, बाहर मिलते हैं। देखो, मेरी बात सुनो, मेरे घर पर आने तक तुम कोई भी बेवकूफी मत करना, समझ में आया? मैं पूरी दुनिया जला देना चाहता हूँ। मैंने हर जगह पेट्रोल डाल कर रखी है, लेकिन मेरे पास माचिस नहीं है।
मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ, अब बताओ तुम क्या कहने वाले थे। मैं चाहता हूँ कि तुम पहले कुछ चेक कर लो, जाकर देखो कि गन कहाँ है। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और तुम्हें मार दूंगा। तुम कौन हो बताओ मुझे, कौन हो तुम? हम अभी तुम मिले, थोड़ा संभल कर बात करो, तुम्हारा दिल टूट जाए ऐसे काम मत करना। उस बंदूक के बदले कितने पैसे चाहिए तुम्हें? अभी तो हमने बार्गेन करनी शुरू की है। पहले तुम्हें ये बता दूं कि वहाँ कोई बंदूक या लाश नहीं है। अगर ये सच एक एक करके सीजन फैमिली को नहीं दे सकता तो तुम्हें दे देता हूँ, क्या तुम इंटरेस्टेड हो? उस रात की सारी सच्चाई मैं एक एक करके तुम्हें भेज सकता हूँ अगर तुम चाहो तो तुम्हें कैसी लगी ये डील? और तुम्हें लगता है कि तुम्हें बदले में एमिर के पैसे मिलेंगे हा? क्या तुम इंटरेस्टेड हो? तुमने मुझे इंटरेस्टेड रहने के लिए कोई मौका कहाँ छोड़ा है बताओ? छोड़ा है क्या तुमने? मैंने सही सोचा था, देखा तुम कितनी जल्दी समझ गए, तुम मेरे कंट्रोल में हो एमिर। तुम तब तक ये सब करोगे जब तक मैं चाहूंगा। ओजान सेजन का उस लड़की से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन तुम्हारा है एमिर। मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, मुझसे चालाकी मत करना, समझ गए? एक रिपोर्ट लिखवाना चाहता हूँ, एक मिसिंग कंप्लेंट है, नाम लिंडा वॉटसन। आखिरी बार वो एक लड़के के साथ थी ब्लू रिंग क्लब में, और उस लड़के का नाम है ओजान सेजिन। वो आखिरी बार कौन सी तारीख को देखी गई? 15 अक्टूबर को। क्या आप मुझे धमकी दे रहे हैं पापा, बताइए? जब तक मैं ऑर्डर ना करूं तब तक कुछ मत करना, सबकी नजर तुम पर ही रहेगी, याद रखना। हाँ बेटा बोलो। बाबा मैंने ओजान और मॉम दोनों को बुलाया है, जल्दी से हमें घर पर बात करनी होगी। क्या सब ठीक है निहान? हाँ डैड सब ठीक हो गया है। निहान देखो, एमिर वही करेगा जो वो चाहता है, वो तुम्हें उलझाने की कोशिश करेगा। हमारे पास सबूत है, तुम फिक्र मत करो, हम ये साबित कर सकते हैं कि तुम्हारा भाई मासूम है। तो एमिर के पास क्या सबूत है? कुछ भी नहीं, वो बस गुमराह कर रहा है। अगर ये वीडियो सामने आ गया तो सबसे पहले एमिर पर शक होगा। एमिर पर पहले सच सामने रखना है। हम ये कहेंगे कि एमिर तुम्हें धमकी दे रहा है और तुम्हें डिवोर्स चाहिए, लेकिन वो तुम्हें छोड़ देना और ऊपर से ब्लैकमेल कर रहा है। केमाल एमिर के पास बहुत सारे आदमी हैं। वो सबको खरीद नहीं सकता। हर एक पल जब तुम मेरे साथ नहीं भी होगी ना निहान, मैं तुम्हें फिर भी सेफ रखूंगा। तुम ये कह रहे हो कि अब सब खत्म? क्या ये गुलामी, हर वो चीज जो मुझे रोके रखती है, वो खत्म हो गई? नहीं, अभी खत्म नहीं हुई है। पहले तुम्हें अपने भाई को कन्विंस करना होगा। अगर वो सरेंडर करता है और सब सच कहता है तो हमारे लिए सब आसान होगा और एमिर के लिए सब मुश्किल। एमिर को बहुत बड़ा झटका लगेगा। चलो We'll be right back.
ड्राइवर को भेजो। मुझे सब कुछ बताओ, शुरुआत से सब कुछ मुझे बता दो। निहान के पास कुछ है। लेकिन क्या है? निहान के पास वो वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं जो आपने मुझसे लिए थे। और उस वीडियो में क्या है? आपको सच में नहीं पता है डैड? मेरी तरफ देखो, क्या तुम निहान को रोकना चाहते हो या नहीं? तो फिर मुझ पर शक मत करो, भरोसा रखो और सारी डिटेल्स मुझे बताओ अपी के अपी। आप मुझे उस ब्लैकमेलर को ढूंढने में मदद करेंगे, क्योंकि उसके पास वो सब है जो मुझे चाहिए। क्या हम इस बात का यकीन कर सकते हैं कि वो आदमी तूफान नहीं है, वही तूफान जो मेरा भाई है? रिलैक्स लग रहा है, हम हमेशा घर पर ही रहते हैं। पहले मेरी जिंदगी इतनी खास नहीं थी, पर अब देखो इतना सब कुछ है करने के लिए। बिल ले आइए प्लीज। अरे हम इतनी जल्दी जा रहे हैं? निहान की आवाज से लग रहा था कि कोई बहुत जरूरी बात है, एक बार चल के देखेंगे तब पता चलेगा। वैसे जब भी फैमिली इश्यूज की बात आती है मुझे अब भी बुलाया नहीं जाता है, क्या पता क्या बात होगी। ये अमीर के बारे में है या कुछ और? पता चल जाएगा। वैसे हम दोनों क्यों ना एक वेकेशन पर चलें, वहां हमें डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होगा। अभी रुक जाओ, अभी तो मैं उस घर में खुद की जगह ही ढूंढ रही हूँ। मुझे पहले खुद के लिए जगह ढूंढने दो, फिर देखते हैं कि हमें कहाँ चलना चाहिए। हाँ हेलो ओजान डियर, क्या तुम घर आ रहे हो? हाँ मॉम, मैं और जनाब बस घर के लिए निकल रहे हैं। और क्या तुम्हारे पापा भी आ रहे हैं? निहान ने बोला तो कि वो उन्हें भी बुला रही है। ठीक है, लेट मत होना। मैं सोच रही हूँ निहान को क्या बात करनी है, मैं तुम्हारी वजह से इंतजार नहीं करना चाहती। ठीक है। निहान मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं जानती हूँ, अगर तुम यहाँ मेरे साथ नहीं होते तो मुझे उम्मीद भी नहीं होती। सच में अगर तुमने पुराने किस्से ना संभाले होते तो मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाती। और सच कहूँ तो तुमने सब कुछ ठीक कर दिया है। सच में देखना, हम फिर से एक नई शुरुआत करेंगे और हम अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताएंगे, हर वो सुबह लाएंगे जो खोती है। ये सब मुश्किल है, तुम समझते हो ना? ये वो घर है जिसमें मैं सालों से कैद हूँ और मुझे डर है कि कहीं मैं सांस भी ना ले पाई तो मर जाऊंगी। तुम मत डरो, बस हिम्मत से काम लो, तुम बस अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही हो। और तुम मेरे चीफ कमांडर हो। काश ये जंग का मैदान होता तो आसान होता, लेकिन ये इंसान का दिमाग है और हमारी लड़ाई उसके साथ है जिसका दिमाग शैतान का है, लेकिन अब वो हमारे कब्जे में है और इस बार हम उसके खिलाफ जरूर जीतेंगे। इस बार उसके पास कोई रास्ता नहीं है, तुम हिम्मत मत हारो। बस सिर्फ अभी एक और काम बाकी है और वो है उसके दोस्त को ढूंढना। कौन सा दोस्त? बताता हूँ, उसने हमारी दो बार मदद की है और अगर वो अमीर का दुश्मन है तो हमारा दोस्त ही हुआ ना। ठीक है, मगर ढूंढने के बाद क्या होगा? उसके पास अमीर के खिलाफ सारे सबूत हैं। अगर हमें अमीर को खत्म करना है तो हमें उसे ढूंढना ही होगा और उसे हमारे साथ शामिल करना होगा। वो है कौन? देखो, जहाँ तक मुझे नजर आ रहा है सारी बातें एक ही इंसान पर इशारा कर रही है। अमीर का दुश्मन है उसका भाई, सिर्फ वो ही अमीर को इस तरह ब्लैकमेल कर सकता है। ऐसे मत देखो जैसे तुम्हें कुछ समझ नहीं आया, तुम सब अच्छे से जानती हो। तुमने कंप्लेंट लिखाई है, अब तुम्हारे परिवार से बात करना है, वक्त आ चुका है उनसे बात करने का। चलो चलते हैं। जाहिर सी बात है कि तूफान को मोहरा बनाकर तुम पर खेल खेला जा रहा है, और पहली बात ये कि इस पर यकीन मत करो, और दूसरी कि केमाल सोएतेर से तुम दूर रहो, जितना हो सके उतने दूर। मेरे लिए आपकी बातों पर यकीन करना मुश्किल है। मुझे तूफान का तो पता नहीं, लेकिन मेरे पास
टेस्ट के रिजल्ट्स हैं, और दूसरी बात, मैं केमाल से दूर नहीं रहूंगा पापा, मैं उसे मार दूंगा, समझे? ऐसा करने से निहान तुम्हारे साथ नहीं आएगी। मेरे पास केमाल सौदर के लिए प्लान्स हैं, लेकिन ये सही वक्त नहीं है कि ये प्लान्स मैं तुम्हें इस वक्त बताऊं। कोऑपरेट करने के लिए शुक्रिया ग्यालिप कोस्कुल। मेरे लिए ब्लैक मिलर को ढूंढिए, इतना ही काफी है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। आप उस आदमी को ढूंढिए और मैं अपना काम करता हूँ। अमिर, तुम कहाँ जा रहे हो? ऐसा कुछ करने जिससे निहान रुक जाए, मैं सब रोक दूंगा। आपको जल्दी ही खबर मिल जाएगी। ओजान को शायद थोड़ी परेशानी होगी। कौन है? किसका फोन है वो? हाँ बोलिए। ठीक है, लैला और मजनू ने मेरे खिलाफ कंप्लेंट की है पापा। निहान और केमाल? लेकिन क्यों, उन्होंने वीडियो दे तो दिया तुम्हें। नहीं, उसके लिए उन्हें सबसे पहले ओजान को कन्विंस करना होगा। उन्होंने ये कंप्लेंट की है कि मैं उन दोनों को ब्लैकमेल कर रहा हूँ। बहुत हो चुका। अब मैंने आपसे कहा था, लेकिन देखे बगैर आप मुझ पर भरोसा कहाँ करते हैं। ठीक है, मैं समझता हूँ और मैं सब संभाल लूंगा, बस तुम कुछ मत करना, ठीक है? और केमाल सोएतेर से तुम दूर रहोगे, जितना हो सके उतने दूर। उन्होंने मुझे पहले ही मजबूर कर दिया है, ये तो बस बातें हैं। देखो अमित, अपना ख्याल रखो, तुम पहले से ही बहुत कंफ्यूज्ड हो। हाँ मैं कंफ्यूज्ड हूँ, लेकिन मैं इसी दिन के लिए तो तैयार हो रहा था। निहान को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, ये एक जंग है। कभी कभी इंसान ऐसे हालात में अपने हथियार छोड़ देता है और वो तकदीर के हवाले हो जाता है, पर मैं उनमें से नहीं हूँ। अब मैं हथियार का इस्तेमाल करूँगा। क्या हो रहा है? ओजान सर को पूछ रहे हैं। बात क्या है? हम इस बारे में आपको बता नहीं सकते मैडम। हाँ बोलो। कहाँ हो तुम? बस पहुँचने वाला हूँ। जल्दी आ जाओ, पुलिस ओजान के बारे में पूछ रही है। हाँ ठीक है, आता हूँ। क्या हो रहा है उजान? क्या तुमने आज दवाई खाई थी? उजान तुम ठीक हो? उजान डियर, शांत हो जाओ, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। ये सब क्या हो रहा है? मिस्टर उजान, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। लेकिन क्यों? एक फॉरेन मिसिंग पर्सन कंप्लेंट दर्ज हुई है, आपका बयान लेना होगा। क्या फॉरेन नेशनल? मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये क्या हो रहा है? आपको हमारे साथ चलना ही होगा, चलिए। देखिए मैं आपके साथ नहीं चल सकता, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। उजान, अरे मुझे कोई बताएगा कि आखिर हो क्या रहा है? प्लीज हमें मजबूर मत कीजिए। एक सेकंड, बात क्या है ऑफिसर? ये उजान को पुलिस स्टेशन ले जाना चाहते हैं, कोई फॉरेन नेशनल मिसिंग केस है। उजान शांत हो जाओ। नहीं, मैं इन लोगों के साथ नहीं जाऊंगा डैड, मैं इनके साथ कहीं नहीं जाऊंगा। आप इनसे कहिए, ठीक है, मुझे नहीं जाना, आप मुझे इनके साथ नहीं भेजिए। उजान, इसने दवाइयां ली थी, हम ब्रेकफास्ट के लिए बाहर गए थे तो ये भूल गया। एम्बुलेंस को बुलाओ जल्दी। ये क्या हो गया? हेलो, एम्बुलेंस भेजिए जल्दी प्लीज। उजान, इनको अस्पताल ले जाना होगा, स्टेशन में बता दो। अब देखते हैं तुम्हें इस बारे में कुछ याद है या नहीं।
हेलो, क्या क्या हुआ? पुलिस आई थी उजान को लेने के लिए। उजान पर हमला हुआ है, उसे हॉस्पिटल ले गए हैं। केमाल, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। नहीं जानती, लेकिन ये सब जरूर तुमने ही किया है। भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। जल्दी तुम्हें समझ आ जाएगा, सब समझ आ जाएगा। निहान, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तुम हमें आज क्या बताने वाली थी? क्या उस बात का इस बात से कोई वास्ता है? मुझे पहले उजान से बात करनी है पापा। तो इसका मतलब वास्ता है? डैड प्लीज, मैंने कहा ना मुझे उजान से बात करनी है। एमिर यहाँ नहीं है और केमाल यहाँ है। डैड प्लीज, आपको सब पता चल जाएगा। देखिए, आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये बस एक एंग्जाइटी अटैक है, दवाई ना लेने की वजह से हुआ है। पहले हम उनसे पूछताछ कर लेते हैं। अच्छा होगा उनका परिवार पहले मिल ले। बस 10 मिनट। केमाल, ये सब क्या हो रहा है? देखिए, मैं कुछ नहीं कह सकता। आई एम रियली सॉरी, लेकिन वक्त आने पर निहान आपको सब बता देगी। क्या मुझे कोई बताना सही समझेगा? आपको पता है मैं उजान की पत्नी हूँ। ये सब क्या हो रहा है? वो मिसिंग कंप्लेंट, उसका उजान से क्या लेना देना है? हमें भी इसका कोई अंदाजा नहीं है जनम। तुम शांत रहो, सब पता चल जाएगा। निहान, वो लोग मुझसे उस रात के बारे में पूछेंगे। उनका सवाल यही होगा कि 11 अक्टूबर की रात में कहा था। मैं उनसे क्या कहूंगा, मैं झूठ नहीं बोल सकता। उजान, उजान प्लीज शांत हो जाओ। देखो, हमारे पास उस रात का एक वीडियो भी है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? उस रात का वीडियो है तुम्हारे पास? अगर आमिर को पता चल गया तो? वो जानता है। अब मैं समझा कि आखिर मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। आमिर हमें सजा देना चाहता है क्योंकि वो तुम्हें केमाल के साथ एक मिनट भी नहीं देख सकता, और तुम केमाल को चाहती हो, ये बात सबको। सेल्फिश बनकर बात मत करो मुझसे। तुम पुलिस को सब कुछ बता सकते हो क्योंकि तुम मासूम हो। वो सब आमिर का प्लान था। वो लड़की जो मर गई थी, उसके बॉडी पर ब्लड बैग्स थे, जिसका मतलब है वो लड़की नहीं मरी है, वो जिंदा है। तुम इनोसेंट हो सच में। निहान, मैं तुमसे कितनी बार कहूं कि वो लड़की मर चुकी थी, वो खून से लथपथ थी, हिल भी नहीं रही थी। मैंने उसे एमिर के साथ उठाया था और फिर मैंने उसे जमीन में गाड़ दिया। तुमने नहीं किया, एमिर ने किया है। देखो निहान, ये मनगढ़ंत बातें करना मुझसे बंद करो। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर जैनब को पता चल गया तो क्या होगा। उसे पता नहीं चलना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे ये बात बताने का रिस्क नहीं ले सकता। तुम बस सेल्फिश हो और बेवकूफ भी। तुम मासूम हो, इसमें मैं फंस गई हूँ और इस वजह से। तुम फंसी हो? ये सब तुम्हारे उस केमाल की वजह से ही हो रहा है। जब से हमारी जिंदगी में ऐसा बर्बाद हो गया। चुप हो जाओ। देखो निहान, इस बारे में मैं तुमसे यहाँ पर और बात नहीं करना चाहता। मैंने सोच लिया है, ये लोग मुझ पर जो भी इल्जाम लगाएंगे वो मैं सब मना कर दूंगा, और मुझे यकीन है कि आमिर मुझे जरूर बचा लेगा। ऐसा नहीं करोगे। तुम मुझे धोखा मत दो। धोखा मैं तुम्हें नहीं दे रहा, बल्कि तुम मुझे धोखा दे रही हो। निहान, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? पुलिस की ये पूछताछ और जैनब का मेरी जिंदगी से जाना, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं नहीं झेल पाऊंगा ये सब। मिस्टर उजान, हमारे पास आपके लिए कुछ सवाल हैं। बस फिर प्रोसीजर खत्म हो जाएगा। ठीक है,
क्या आप जा सकती हैं? अब आप कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मैं इस मामले में आपकी मदद कर पाऊँ। बस हमें 5 मिनट दीजिए। क्या हम चले? अब फिर से क्या हो गया? मुझे पता है तुम क्या करना चाहते हो, पर मैं इस बार नहीं रुकने वाली हूँ। सच में ऊपर चलो, मैं तुम्हें सब कुछ अच्छे से समझाता हूँ। जरूर। मुझे लगता है ऊपर जाना सही होगा। तुम मुझे ऊंचाई से जो फेंकना चाहते हो। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम वैसे भी कुछ नहीं कर सकते। मिस्टर ओजान, क्या आप लिंडा वॉटसन को जानते हो? नहीं। हमें रिपोर्ट मिली है कि वो आखिरी बार आपके साथ ब्लोरिंग क्लब में दिखी थी 15 अक्टूबर 2010 को। क्या आप 15 अक्टूबर की बात कर रहे हैं? पहली बात तो मैं ब्लोरिंग क्लब उस दिन नहीं गया, और इंस्पेक्टर उस दिन क्या मैं तो आज तक ब्लोरिंग क्लब नहीं गया हूँ। शायद आप लोगों से कुछ गलती हो रही है। और आप जिस तारीख की बात कर रहे हैं, उस रात तो मेरी बहन की शादी थी मूनराइज क्लब में, तो मैं पूरे दिन वहीं पर था क्योंकि बहुत सारी तैयारियां करनी थी और सब कुछ मैं ही हैंडल कर रहा था, इसलिए पूरा दिन वहीं निकल गया था। आप मेरे रिलेटिव से ये सवाल पूछ सकते हैं, वो भी आपको यही जवाब देंगे। और अगर आपको और भी तसल्ली करनी है तो अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको अपना लैपटॉप भी दिखा दूंगा जिसमें मेरी बहन की शादी की सारी तस्वीरें हैं। मेरी बात मानो और हार मान लो। निहान को छोड़ दो, उसके साथ जबरदस्ती मत करो और उसके भाई को उसके खिलाफ इस्तेमाल मत करो। ओजान ने क्या गुनाह किया है केमल? तुमसे बड़ा गुनाह नहीं किया है, कानून के हिसाब से बड़ा गुनाह है, और तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तुम खुद अभी तक वही ढूंढ रहे हो। निहान ओजान को जेल नहीं भेजेगी चाहे कुछ भी हो जाए। उसने ऐसा पहले भी किया है और वो अब भी करेगी। इसका मतलब हमारी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा। तुम हमेशा गंदे गेम्स खेलते रहते हो और हमारे भाई बहनों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते रहते हो, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब असली खेल शुरू होगा। मेरे भाई को इस्तेमाल करना। तुम छुपा रहे हो, पर दिख रहा है कि तुम डर गए हो। तुम्हारे चेहरे पर यह साफ दिख रहा है कि तुम कितने बड़े डरपोक हो। तुम अब तक बचते आए हो क्योंकि तुम्हारा सामना असली दुश्मन से नहीं हुआ है। यह मुमकिन नहीं है। तुम निहान को उसके भाई के लिए ब्लैकमेल कर रहे हो, और ऐसा करते करते तुम अपने भाई के बारे में भूल ही गए। एमिर, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम्हारे भाई को तुम्हारे सामने मैं लाऊंगा ताकि तुम तारिक, सैनब और रोजान का पीछा करना छोड़ दो। देखते हैं कि तुम्हारा भाई जब आएगा तब तुम क्या करोगे, सब कुछ किस तरह संभालोगे और कैसे। मैं तुम्हें दुश्मनी में अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता, लेकिन तुम हमेशा अपनी चाल पहले चलकर मुझे सारा गेम समझा देते हो। अगर छिपकर भी चलूं तो तुम क्या कर सकते हो एमिर कॉस्को? तो क्या आप उस दिन वहाँ मौजूद थे? मैं बताती हूँ। जब ओजान मुझे सलोन से ले आया तब मैंने उसे कुछ काम करने के लिए कहे थे, आखिर वो दिन हमारे लिए स्पेशल था इसलिए। सही कह रही हो ना मैं डियर? हाँ, बहुत ही स्पेशल। ठीक है, आपका दिन अच्छा रहे। बाकी के सवाल हम शायद बाद में करेंगे। ऑफ कोर्स, जब आप चाहेंगे ऑफिसर।
जाहिर सी बात है कि एमिर हमें फंसा रहा है। निहान सुनो, अब वो कहेगा कि 11 अक्टूबर की जगह 15 अक्टूबर कहकर उसने गलती कर दी। जो हो रहा है उसका मैं पता लगा कर रहूंगी। आप सब अभी तो शांत नजर आ रहे हैं, लेकिन मैं ये आपके चेहरे कभी भी नहीं भूलूंगी। उजान ने कुछ भी नहीं कहा, पर मैं सब पता लगा लूंगी, और आप मुझे अच्छे से जानती हैं। सब ठीक है? निहान कहाँ जा रही हो? यकीनन मेरे भाई के पास निहान को यहाँ से ले जाने की कोई ना कोई ठोस वजह जरूर होगी। क्या तुम्हें यकीन होता है वो सच्चा बयान इसीलिए नहीं देना चाहता क्योंकि उसे खुद पर यकीन नहीं है, सारे सबूत होने के बावजूद? एमिर का प्रेशर उस पर से निकालना होगा। हम ऐसा कैसे कर पाएंगे केमाल? हम ओजान के साथ ये नहीं कर सकते, एमिर के साथ सॉल्व करना होगा। मैं अकेले में बात कर लूं? प्लीज। तुम उजान पर प्रेशर डालकर जीत नहीं सकते। अब उस अंधेरे में उम्मीद की रोशनी आ गई। मैंने इसीलिए तो तुम्हें फोन किया है डार्लिंग। अगर तुम चाहो तो हम उस लड़की का कब्र खुलवा भी सकते हैं, उस लड़की को बाहर निकालते हैं और अग्रीमेंट तोड़ देते हैं। मैं हमेशा की तरह अपनी ट्रिक इस्तेमाल करूंगा और ओजान बेवकूफों की तरह अपना जुर्म कबूल कर लेगा। ओजान मासूम है, अब तुम हम पर अपना हुक्म नहीं चला सकते। मैं तुम्हारी धमकियों से और झूठ से थक चुकी हूँ, लेकिन अब नहीं। मैं तुम्हें तुम्हारी खोदी हुई कब्र में गाड़ दूंगी। तुम अपने आप पर बहुत भरोसा करती हो, लेकिन इतना भरोसा अच्छा नहीं है मेरी जान। ये सब कहना बंद करो, और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे साथ रहो, समझे? तुम मुझे या केमाल को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मैंने पुलिस से कह दिया है कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो। मैंने सुना, बहुत अच्छा किया तुमने, बहादुर हो तुम। ज़हीर, अब बताओ क्या करना है? कुछ नहीं, बस तुम तूफान पर नजर रखो। उस पर क्यों? तूफान डरा हुआ है, कुछ तो है जिससे वो अमीर से डर रहा है। वो कोई खेल खेल रहा है जिसे वो छुपा रहा है, और उसे डर है कि अमीर को सब पता चल जाएगा। शायद वो ये दिखाना नहीं चाहता अमीर को कि वो इतने सालों से उसके वहां जासूसी कर रहा है। तो तुम चाहते हो कि जो काफी देर से बंद था उसे हम दोबारा शुरू करें? ब्लैकमेलर जिसने हमारी हेल्प की, अब वही हमारे लिए विटनेस बनेगा, और उसने हमें देखा भी है। ज़हीर, अगर वो हमें मिल जाए तो हमारी बहुत हेल्प हो जाएगी। वो या तो तूफान है, या तूफान नहीं है तो उसका आदमी होगा। उसके घर से शुरू करो। तुम ठीक हो? कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। अब सब पहले जैसा हो जाएगा, हम जल्दी खुशियां मनाएंगे। मैं जानता हूँ। बोलो। हाँ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। उसे टेस्ट रिजल्ट्स अभी मिले हैं, वो खुद आएगा और मुझे मिलने के लिए बुलाएगा। मैं जानता हूँ कि वो अपने भाई से यकीनन मिलेगा, लेकिन अगर हमारे प्लान के मुताबिक अगर उसने मुझे मारने की कोशिश की तो? लेकिन फिर मैं क्या करूंगा उसके बाद? ठीक है, मुझे आप पर भरोसा है।
मुझे लगता है तुम एक मुश्किल सिचुएशन में हो, और क्योंकि तुम निहान को जाने से रोक नहीं पाए, इसका मतलब कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है ना? तुम्हारी फैमिली कितनी स्मार्ट है सच में। देखो मैं नहीं जानता कि बात क्या है, लेकिन अगर तुम निहान को तकलीफ दोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। क्या तुम्हें समझ में आया? उसे परेशान मत करना, समझे? बिल्कुल परेशान मत करना उसे। मैं तो डर गया। उम्मीद है आपको मुझे ऐसी धमकी देने के लिए पछताना ना पड़े। अगर तुम आए हो तो मेरे दरवाजे पर 3 बार नॉक करना और पैकेज छोड़ देना। क्या हुआ? मेरा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तुमने मेरी बीवी को वो वीडियो क्यों भेजा? तुमने हमारी डील तोड़ी है। खेल तो तुम रहे थे। तुम्हारी आवाज से मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो। ठीक है, इसे जल्दी खत्म करते हैं। तुमने मेरी बीवी को मेरे खिलाफ सबूत दिए हैं, तो अब तुम मुझे उसके खिलाफ सबूत दोगे, समझे तुम? मैं तुम्हारे सोच की दाद देता हूँ, कमाल है। मुझे वो गन भेजो जिस पर ओजान के फिंगरप्रिंट्स हैं। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? दोनों बाप बेटे के पास कोई ना कोई ट्रिक्स है। इस प्लान को ही देख लो, शैतान भी ऐसा ना सोच पाए। एमिर को मेरी कमजोरियां बहुत अच्छे से पता है। तो वो गलत नहीं था? बिना किसी सबूत के तुम डिवोर्स कैसे ले पाओगी? लेकिन वो डिवोर्स मांगेगी। अब मेरे पास उम्मीद है। एमिर अपने ही गेम में खुद हार जाएगा, फिर ये सब मामला हमेशा के लिए खत्म, और हम दोनों एक नई शुरुआत करेंगे। आप चिंता में क्यों लग रही है लैला? मुझे डर है कि कहीं अमीर कोई नया पैतरा ना ले आए। तुम्हें डर नहीं है क्या? मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे इसमें कोई शक नहीं है। मेरी बातों पर ध्यान मत दो, वही करो जो तुम्हारा मन कहता है। डर कर रहने से बेहतर है डर का मुकाबला करो। क्या तूफान अभी भी ऑफिस में है? तैयार हो जाओ, तारिक जैसे ही आएगा तूफान को उसके साथ भेज दो। मैं जानता हूं तुम दोनों के बीच प्रॉब्लम्स हैं। चलो इसका फायदा उठाओ और उससे बदला ले लो। जरूर सर, लेकिन मैं नहीं जानता कि मुझे करना क्या है। मेरे आदमी तुम्हें समझा देंगे। अब तुम्हारे पास एक और काम है, निहान को मेरे पास ले आओ। कहां से कैसे? समझ लो वो हमारी मेहमान है। क्या तुम संभाल लोगे या फिर से केमाल से हार जाओगे? तुम शिकार बनना चाहते हो या एक शिकारी? क्या ओजान है? मिस्टर ओजान अपने कमरे में है अभी। एमिर? नहीं मैडम। क्या आप यहाँ आ रही हैं? ये फोन हमारा सीक्रेट है, इसके बारे में एमिर को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है मैडम। ओजान ठीक तो है ना? वो हमेशा की तरह डरा हुआ और सहमा हुआ है। लेकिन उसे डरने की जरूरत नहीं है, वक्त आने पर वो सब समझ जाएगा। हाँ बिल्कुल, वो अभी अमीर से डर रहा है, लेकिन वो वक्त के साथ सीख जाएगा। मुझे समझ नहीं आता वो खुद को बचाना चाहता भी है नहीं। अब ये क्यों आया? मैं देख के आता हूँ। केमाल उसे फोर्स मत करो। क्या चाहिए आपको? मिसेस निहान, मैं आपको लेने आया हूं। देखिए भाई, दफा हो जाइए। मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं, हटो यहां से।
मुझे तुमसे कुछ काम नहीं है। मिसेस निहान, आपको लगता है मेरे होते हुए आप यहां से निहान को ले जा पाएंगे? मैंने तुमसे पूछा नहीं है। मिसेस निहान, क्या आप मेरे साथ चलेंगी? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सुन लिया? अब चले जाइए भाई। मिसेस निहान, आप मुझे मुश्किल में डाल रही हैं। मैं नहीं चाहता कि कुछ गलत हो। अरे तारिक, जबरदस्ती मत करो। क्या तुम एक औरत को जबरदस्ती ले जाओगे? हाँ, जरूरत पड़ी तो। मैं करने नहीं दूंगा। केमाल, उनकी बात मत सुनो। आपको समझ नहीं आता, तारिक एमिर आपका फायदा उठा रहा है हमें नाराज करने के लिए। अपने पति के बदले आप केमाल के साथ रहकर अपने पति को आप नाराज कर रही है मिसेस निहान, ये आप सही नहीं। जाओ यहाँ से, बहुत बकवास सुन ली आपकी, जाओ। केमाल, केमाल। हिम्मत है तो अभी हाथ लगाओ, हाथ लगाओ, मुझे लगाओ जल्दी। तुम क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? क्या कर रहे हो? निहान तुम पीछे हटो। अरे क्या कर रहे हो? मिसेस निहान मेरे साथ चलिए अभी। क्या अभी? क्या आप अपने भाई पर गोली चलाओगे? मैंने तुम्हें पहले भी बोला है, तुम मेरे भाई नहीं हो। ऐसा आदमी मेरा भाई हो भी नहीं सकता। आपने खुद को शैतान के हवाले कर दिया है। आप मेरे भाई नहीं है। मुझ पे चलाओ गोली। अगर हिम्मत ना हो तो बंदूक नहीं उठाते। चलाओ ना, मारो मुझे। मारो। क्या हुआ? जब पिस्तौल उठाए हो तो मुझे गोली भी मार देते। अपने भाई से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तुम्हें भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अब मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है। काश मैं यहाँ तारिक से पहले आता। तुम तो एक दूसरे के खिलाफ हो गए। तारिक, तुम जो काम करने आए थे वो करो। बस अब बहुत हुआ। निहान अब तुमसे डरती नहीं है, वो तुम्हारे साथ नहीं आएगी। तुम मुझे नाराज कर रही हो। मैं तो बस तुमसे बात करना चाहता था। क्या ये बहुत है? मुझे अकेला छोड़ दो। कितनी जिद्दी हो तुम। एक बात कान खोल के सुन लो अमीर, तुम्हारे कोई भी प्लान काम नहीं करने वाले हैं, इसलिए कोशिश करना बंद कर दो। क्या हुआ? तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन हुआ है क्या? तुम ऐसी औरत पर आंखें गाड़े बैठे हो जिसके हाथों में मेरे नाम की अंगूठी है। लगता है तुम कंफ्यूज्ड हो। तुम भूल गए कि तुमने उसे धोखा दिया है। मैं उससे प्यार करता हूं, कुछ गलत नहीं किया मैंने। अगर यही बात है तो ये लो अपनी अंगूठी, ये रिश्ता खत्म। चाहे तुम मानो या ना मानो। वाओ, तो लो बात खत्म। अगर तुम में इतनी सी भी इज्जत बची है तो तुम जबरदस्ती नहीं करोगे। देखो इतनी सी भी। तुम्हें लगता है कि ओजान तुम्हारी कड़ी है, लेकिन वो तो मैं हूँ। समझ लो इसे, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम्हें घर लौटकर आना ही होगा। हाँ, मैं जरूर आऊंगी। अपने परिवार को अपना फैसला सुनाने और अपना सामान भी ले जाऊंगी। मैं काम से जा रही हूँ लेला, बाद में मिलते हैं। वो मुझे डिवोर्स नहीं दे सकती, वो हमेशा मेरी बीवी रहेगी। अफसोस, दुख हो रहा है मुझे। दुख हो रहा है कि तुम अभी भी सपने देख रहे हो। घबराओ मत, ऐसा जरूर होगा। ये सिर्फ एक सपना नहीं है, ये जरूर सच होगा।
जल्दी से क्रू बुला लो, हम फिल्म शूटिंग करेंगे जिसकी अनहैप्पी एंडिंग होगी। मुझे डर है कि इसका अंत अच्छा नहीं होगा। डरने की जरूरत नहीं है लैला, थोड़ा मुश्किल होगा पर सब ठीक होगा। हाँ, तुम्हें ये निहान से कहना चाहिए, मुझे कन्विंस क्या कर रहे हो। इस आदमी को समझने के लिए हमें सिर्फ 10 मिनट ही काफी है। ये सिर्फ आशिक नहीं है बल्कि पागल है, ये एक नंबर का पागल आशिक है। मैं क्या करूं लैला, क्या करूं? मेरे कदम पीछे ले लूं? उसने निहान को ब्लैकमेल करके घर में कैद रखा है, उसे अब थोड़ी सी उम्मीद मिली है और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं लैला, जान ले भी सकता हूं और जान दे भी सकता हूं, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटने वाला हूं। निहान से ज्यादा जरूरी मेरे लिए कुछ नहीं है, आप साथ नहीं देंगे तो मुझे बुरा लगेगा। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे बहुत काम है, मेरे साथ चलो। कहां जाना है? मिस्टर एमिर के पास, वो तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं। वो खुद क्यों नहीं आया यहां पर और तुम्हें यहां पर भेज दिया? ये बात तुम उन्हीं से पूछ लो ना। मैं समझा नहीं तारिक, तुम सब कुछ समझ जाओगे, मेरी गारंटी है कि तुम सब कुछ समझ जाओगे। इन पर भी सर। असली है? जी सर। मिस्टर हकी की मीटिंग खत्म हो जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। ओके फाइन सर। क्या हाल है जहर, कैसा चल रहा है सब कुछ? इस वक्त मैं अंदर हूँ। ठीक है, सब जगह अच्छे से चेक करो, छोटी सी छोटी भी फोन कॉल्स बिल्स सब कुछ। मैं चाहता हूँ तुम ध्यान से काम करो, मुझे सारी डिटेल्स चाहिए, समझे तुम? ठीक है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वहाँ कोई कंप्यूटर है? हाँ। ठीक है, तो उस पर सारी फाइल्स और ईमेल्स चेक करो, ठीक है? क्यों? हमें जानना होगा कि वो इस ब्लैकमेलर से कैसे बात करता है। काम खत्म करके फोन करो। अभी भी बीमार लग रहे हो? ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा पत्थर मेरे सर पे है। ओजान डियर, तुम थोड़ा आराम कर लो, जब उठ जाओगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। चलो बाहर चलते हैं। क्या आप जा रहे हैं डैड? मैं यहीं पर हूँ। डियर, तुम भी शावर ले लो और थोड़ा आराम करो, तुम्हें अच्छा लगेगा। हम डिनर पर मिलते हैं, तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? बस इतना ही? क्या हमें बात नहीं करनी चाहिए? किस बारे में? जो हुआ उस बारे में। क्या मुझे वो सब जानने का कोई हक नहीं? बस ये एक गलत फहमी है और कुछ भी नहीं।
अगर आप समझते हैं कि मैं बच्ची हूँ तो आप गलत हैं। तो एक औरत की तरह बर्ताव करो ना। अगर बात करने के लिए कुछ होता तो हम पुलिस स्टेशन में होते, यहाँ नहीं। क्या तुम्हें ये बात मंजूर है उसा? देखो जनाब, बात बढ़ा के कोई फायदा नहीं है। तुम्हें जितना पता होना चाहिए वो बातें तुम्हें सब पता है। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहती। हम बेकार में इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो जानती है कि कोई राज है? ये इम्पॉसिबल है। उसने पहले भी जानने की कोशिश की है। आपने कुछ कहा? नहीं, लेकिन वो जानती है कि सीक्रेट है कोई। ज़ैनब को कभी भी कुछ पता नहीं चलना चाहिए, कभी भी। निहान मैडम आपके और मिस्टर ओजान के बारे में पूछ रही थी फोन पर। मैंने पूछा कि क्या वो घर आएंगे, उन्होंने जवाब नहीं दिया। एफसाने, तुम बहुत ही चालाक हो, तुम्हें तुम्हारी जगह अच्छी तरह पता है। अगर मैं तुम होती तो मैं भी यही करती, मैं भी अमीर का साथ देती। मैं आपको समझ नहीं पाती ज़ैनब मैडम। बस इतना कह रही हूँ कि तुम निहान की खबर देकर अच्छा काम कर रही हो। मुझे भी कुछ भी बोल सकती हो, आखिर मुझे भी अब इस परिवार के सारे छुपे हुए राज पता चल चुके हैं। माफ कीजिएगा मैडम, पर मेरे पास आपको बताने के लिए कोई राज नहीं है। अंगूठी, ये रिश्ता खत्म। चाहे तुम मानो या ना मानो, क्या तुम निहान से गुस्सा हो? अगर हाँ कहूं तो तुम खुश हो जाओगी। वैसे भी मैं जानती हूँ कि वो तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार नहीं करती। तुम आँख से खेल रही हो। तो फिर चला दो, मुझे टॉवल दो। मैं तुम्हारी आग बुझा रहा हूँ। किसी ने देख लिया तो क्या होगा, तुम जानते नहीं। तुम मुझे कहो क्या होगा। शायद मैं जितना बुरा सोचती हूँ उतना नहीं होगा। उजान मुझे छोड़ देगा और निहान तुम्हें। तो इस रिश्ते का क्या होगा, तुमने तो सारा मजा ही बिगाड़ दिया। तुम भूल गई कि तुम्हें मुझसे डरना चाहिए। तुम भूल गए कि तुम्हें मेरी इज्जत करनी चाहिए। तुम निहान की गैर मौजूदगी के सपने मत देखो, क्योंकि तुम्हें निहान की जरूरत है, वरना तुम मेरे करीब नहीं रह पाओगी, समझे तुम? देखो तूफान, तुम्हारे हाथ और पैर दोनों बंधे हुए हैं। किसे पता था कि इस वेयरहाउस में एक दिन तुम खुद ही एक दुश्मन बनकर आ जाओगे।
सच में ये तो एक मजाक ही बन गया है तूफान, है ना? खैर छोड़ो तारिक, यहां से चले जाओ वरना तुम्हें पछतावा होगा। अच्छा होगा तुम यहां से चले जाओ। ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा मत करो। तुम अभी तक एक एक्टर की तरह बात कर रहे हो और देखो अपने आप को, तुम शो ऑफ कर रहे हो, लेकिन तुम एक बहुत ही बुरी पोजीशन में हो तूफान। ऐसा मत करो तुम तूफान, ठीक है? लेकिन तुमने ऐसा क्या कर दिया कि मिस्टर एमिर इतने नाराज हो गए? मिस्टर एमिर है वहां, उन्हें कुछ तो पता चला ही होगा। यह तुम्हें कुछ पता चल गया है उनके बारे में? हाँ तूफान, भाई मुझे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। आप सुन रहे हैं ना, ये एक बैचलर का घर है और मुझे लगता है कि हम वक्त बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं। और कंप्यूटर का क्या? मैंने अभी देखा नहीं, लेकिन देखता हूँ। ठीक है सही। देखो तूफान रात तक कंपनी में ही होगा, तो कोई जल्दी मत करना, लेकिन जरा संभल कर रहना। ठीक है। मिस्टर हक्की अब आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है असली, मैं अभी आता हूँ। क्या किया तुमने? बिल्कुल वैसे जैसे आपने कहा था मिस्टर एमिर। आराम आराम से मारो, लेकिन संभल कर, जब तक मैं ना आऊं तब तक मर ना जाए कहीं। ठीक है सर। आप शायद जानते होंगे कि मैं यहां पर क्यों आया हूं। शेयर्स की बात करना चाहते हो? क्या तुम जानते हो तुम्हें इस पोजीशन पर कितने लोग देखना चाहते हैं? तो मिस्टर हकी, आपने मुझे उन लोगों के लिए ही चुना है ना? मैंने नहीं चुना, यू डिजर्व इट। नहीं, आपका बड़प्पन है मिस्टर हकी, लेकिन। लेकिन क्या? मैं कंपनी के शेयर्स एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ये सही नहीं होगा, ये बहुत ही गलत होगा। आई एम सॉरी, मैं ये जिम्मेदारी नहीं ले सकता मिस्टर हकी, ये जानते हुए कि आंसू मुझसे कुछ और चाहती है। इस बात को लेकर मेरा दिल नहीं मान रहा है। तुम्हारा इसे देखने का एंगल सही नहीं है। आपने मेरे लिए जो भी किया वो मेरे लिए बहुत कुछ है, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मेरा रास्ता बहुत अलग है। मैं ये जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। आई एम रियली सॉरी। तुम यहां कब आए? ज्यादा देर नहीं हुई, बस अभी अभी आया हूं। क्या कुछ प्राइवेट बातें हो रही हैं? मिस्टर हकी, मैं हमेशा आंसू के सामने ईमानदार रहा हूं, उसे पता है कि वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। एक शादीशुदा औरत के पीछे अपनी जिंदगी बिगाड़ रहे हो तुम। निहान एमिर से डिवोर्स लेने वाली है। क्या? उसने कहा कि वो डिवोर्स चाहती है। एमिर निहान को नहीं छोड़ेगा। उसे छोड़ना ही होगा, कोई ऑप्शन नहीं है। मेरा फ्यूचर मेरे सामने है, सब जानने के बाद भी अगर मैंने आपसे वादा किया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहता। क्या तुम बिल्कुल श्योर हो? जी बिल्कुल श्योर हूं, यकीन कीजिए। मत करो, प्लीज मुझसे बात करो। आंसू, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं बस उम्मीद के सहारे हूं, मुझसे वो तो मत छीनो। कोई भी उम्मीद बाकी नहीं है। निहान के डिवोर्स के बाद हम शादी कर लेंगे, हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। तुम सपने देखना बंद कर दो। केमाल, तुम पछताओगे। मैं मानता हूं,
तुम निहान पर भरोसा करके गलती कर रहे हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम अपने फैसले पर पछताओगे। मुझे मंजूर है, क्योंकि एक बात तो मुझे पता है कि मैं निहान के बिना नहीं जी सकता। तुम्हारा और मेरा कोई फ्यूचर नहीं है आंसू। प्लीज शादी की बात करना बंद कर दो, वरना तुम्हारी और मेरी दोस्ती खराब हो जाएगी, और मैं हमारी दोस्ती खराब नहीं होने देना चाहता। बहुत हो गया, मुझे अपना दोस्त मत कहो। नहीं बनना मुझे तुम्हारा दोस्त। I'm sorry। और कुछ नहीं हो सकता है। ज़ेनब मैडम, तुम ऐसे चोरी छपे क्यों आ रही हो? तुमने तो मुझे डरा दिया। आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। वॉक करते करते मैं पूल में गिर गई थी और पूरी तरह भीग गई। माफी चाहती हूँ। थैंक यू। जाओ अपना काम करो। हाँ बोलिए। फहीम है आंटी। क्या हुआ आंसू बेटा? केमाल। क्या केमाल ने कुछ कहा? वो निहान के साथ चला जाएगा। क्या? कहाँ चले जाएंगे? कब चले जाएंगे वो? मुझे सब साफ साफ बताओ बेटा। निहान आमिर से डाइवोर्स ले रही है, फिर वो और केमाल शादी करके इस्तांबुल से चले जाएंगे। क्या कह रही हो? फहीम आंटी, आमिर उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो निहान और केमाल को कभी भी किसी भी हालत में एक साथ नहीं देख सकता। वो मेरे बेटे को मार देंगे। इसका अंत बहुत बुरा होगा फहीम आंटी, प्लीज कुछ कीजिए। केमाल अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। मेरे अंकल ने उसे आधे शेयर्स दे दिए, लेकिन उसने वो भी लेने से मना कर दिया। अब आप ही कुछ कीजिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं उसे कैसे बचाऊं? आप ही बताइए इस प्रॉब्लम को मैं कैसे सुलझाऊं? ठीक है शांत हो जाओ। पहले तुम शांत हो जाओ। मुझे बहुत डर लग रहा है फहीम आंटी, मैं क्या करूं? जब तक मैं जिंदा हूं तब तक ऐसा कुछ नहीं होगा, ये मुझ पर छोड़ दो। मुझे आप पर भरोसा है। कहाँ हो तुम? घर पर हूँ। ठीक है मैं आ रही हूँ। क्या हुआ है?
उम्मीद है सब ठीक हो। माँ? ज़ैनब, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हाँ पूछे ना माँ। उस घर में क्या हो रहा है? चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं हो रहा, बस कुछ गलतफहमी हो गई थी। उजान किसी मुसीबत में नहीं है। उजान की छोड़ो, मुझे उसके बारे में बताओ जो तुम्हारे भाई के पीछे पड़ी है। निहान? नाम मत लो उसका। क्या वो डाइवोर्स लेने वाली है? क्या निहान एमर से डिवोर्स ले रही है? ये तो तुम मुझे बताओ। आसू ने मुझे फोन किया था, बहुत रो रही थी। वो मुझसे मदद मांग रही थी। क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है या तुमने कुछ सुना है? नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना, लेकिन आप सही कह रही हैं, कुछ तो हो रहा है। निहान आज पूरा दिन भाई के साथ थी, उनके घर पर। जिसका डर था वही हुआ। ये लड़की सचमुच मेरे बेटे को बर्बाद करके रहेगी। हेलो। हेलो, क्या तुम वॉक करने आई हो? लगता है तुम भी आए हो। हाँ, कम से कम भाग नहीं रहा। अपनी जिंदगी और परिवार से जुड़ा हुआ हूँ मैं। अब तक मैं उन्हीं के साथ में हूँ। ये मुझे मत समझाओ। समझा नहीं रहा हूँ, बस बता रहा हूँ तुम्हें। मत बताओ। मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे अंदर का आदमी तुमसे कई सालों से बात कर रहा है। वो आदमी बस तुम्हारे हेलो से बोलना शुरू कर देता है, चाहे वो हेलो एक कर्टेसी क्यों ना हो। मैं खुश हूँ कि तुमने केमाल के घर पे रहना शुरू कर दिया है। अपना घर वापस लूंगी। जानता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आता कि केमाल के होने के बावजूद तुम हार कैसे गई। हारी नहीं, चूक गई हूँ। उस दिन एक्सीडेंट होने की वजह से मैं लेट हो गई। क्या तुम्हें निहान ने नहीं कहा? हमारा उसी की कार से एक्सीडेंट हुआ था उस दिन। क्या सच में? बिल्कुल। मैं 2 मिनट से लेट हो गई थी और 2 बेवकूफ आदमी की वजह से मेरा वक्त बर्बाद हो गया। काश ऐसा ना हुआ होता, लेकिन जो हो गया सो हो गया। मेरे हाथ से वो घर चला गया। मैं चलती हूँ। ठीक है, गुड बाय। निहान, क्या तुमने उस गाड़ी का नंबर प्लेट लिया था जिस दिन तुम्हारी कार का एक्सीडेंट हुआ था? नहीं पापा, नहीं किया। क्या किसी ने तुमसे उसके बाद डैमेज के लिए पूछा था? उन्होंने ऑफिशियल रिपोर्ट के लिए जिद की थी, लेकिन किसी का फोन नहीं आया। आप ये क्यों पूछ रहे हैं? आपको कैसे पता? ये जरूरी नहीं है। थैंक यू। तुम्हें क्या लगता है, ये बात पक्की है? अगर मैं श्योर नहीं होती तो तुमसे नहीं कहती। समझो, कंट्रोल लेने का वक्त आ गया है। हमें इसे रोकना होगा, वरना हम अपने बच्चे को खो देंगे। मैं बता रही हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी। चलो ठीक है। साली। हाँ। अंकल हुसैन, कैसे हैं आप? यहाँ आओ। क्या तुम मुझे एक बात बता सकते हो, तुम आजकल दुकान पर क्यों नहीं आते हो? कुछ काम कर रहा था। बकवास, अब तुम हमसे और केमाल से बहुत दूर हो गए। ऐसी बात नहीं अंकल, दूर मैं नहीं, वो मुझसे हुआ है। वो निहान के साथ इतना बिजी रहता है कि उसे अपनी भी परवाह नहीं है। लेकिन इसका मतलब क्या है? छोड़िए, जाने दीजिए अंकल। साली, मुझे पूरी बात बताओ। देखिए अंकल, मैं क्या कहूँ आपसे, सिर्फ इतना जान लीजिए कि केमाल एक बहुत बड़े खतरे में है। उसने एक आदमी भी पाल रखा है, ना जाने ये दोनों मिलके क्या करते रहते हैं। केमाल सिर्फ खतरों से खेल रहा है, इतना तो मैं भी समझ गया हूँ। ये प्यार व्यार सब झूठ है, और वैसे भी निहान शादीशुदा है, वो तो अपने पति के पास चली जाएगी। तड़पेगा सिर्फ केमाल। हम नजर रख रहे हैं सर,
बस आपके ऑर्डर का इंतजार है। सब कुछ वैसा ही होगा जैसा कि मैंने कहा था। उनका तुम्हारे पर ध्यान नहीं जाना चाहिए। मेरे बोलने से पहले कुछ भी मत करना, समझ में आया? निहान, तुमने यास्मीन से बात की? नहीं, अभी तो हम लोग कॉफी पी रहे हैं। तुम कंपनी का काम संभाल पा रहे हो ना? हाँ, मैंने कह दिया कि मैं शेयर्स नहीं ले सकता। और क्या? और क्या, कुछ नहीं। तुमने असली प्रॉब्लम का क्या किया? कौन सी असली प्रॉब्लम? ओहो केमाल, मुझे परेशान मत करो, सच सच बताओ ना। मैंने आंसू और मिस्टर हक्की दोनों से कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ नई शुरुआत करूंगा। तो मैंने कहा मेरा दिल सिर्फ एक ही इंसान को चाहता है और वो धड़कता भी सिर्फ निहान के लिए ही है। ये हुई ना बात। क्या हो गया? हंसो मत, कोई गिरे तो सब हंसते हैं। निहान तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक नहीं हूँ केमाल, मैं तुम्हारी वजह से गिरने वाली थी। अच्छा ठीक है, मैं फोन रखता हूँ। क्यों, क्या हुआ? मुझे कुछ काम है। क्या काम? छोटी प्रिंसेस के लिए कुछ लेना है। तुम दोनों फिर से रोमियो जूलियट बन गए? नहीं। मुझसे झूठ मत कहो, उससे बात करके तुम्हारे चेहरे का रंग बदल गया। तुम इतनी बातें करके बोर नहीं हो जाती? हम एक दूसरे से बोर नहीं होते। हंसना बंद करो। और एमिर का क्या हुआ? क्या वो तुम दोनों के बीच से हट गया? नहीं डार्लिंग, निहान सेजन उससे बच निकली। ओ क्या बात है। क्या तुम हमारी कंपनी टेक ओवर करना चाहती हो? क्या? मैं एमिर से डिवोर्स ले रही हूँ। नो वे। 5 साल के बाद मैं केमाल के साथ नई जिंदगी शुरू करूंगी। क्या कहा? ये तो सरप्राइज है निहान, एमिर ने क्या कहा? मैं नहीं जानती, मैंने उससे पूछा नहीं, बस कह दिया हम डिवोर्स ले रहे हैं। और फिर निहान, जब तुम उससे डिवोर्स लोगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। फाइनली मैं तुम्हें और केमाल को एक साथ देखूंगी और इससे बड़ी खुशी की बात तो कोई हो ही नहीं सकती। एक्सक्यूज मी, क्या आप यहाँ पर आ सकती हैं? क्या मैं वो ड्रेस खरीद सकता हूँ? ऑफ कोर्स, कितने साल की बच्ची है ये? कितने साल के लिए है? ये 2 साल के लिए है। ओह, 2 साल के लिए है। वो ड्रेस थोड़ी बड़ी हो जाएगी। आपकी बेटी कितने साल की है? मेरी बेटी? मुझे बेटी ही नहीं है। ओह आई एम सो सॉरी। उम्मीद है कि जल्दी हो जाएगी। 1 साल के बच्चे के लिए कुछ दिखा सकती हैं? जैसा आप चाहें, हमारे पास न्यूबॉर्न बेबी से 2 साल के बच्चों के लिए कपड़े हैं। मैं पहली बार बच्चों के लिए कपड़े देख रहा हूँ, इसलिए मुझे कुछ ज्यादा आइडिया नहीं है। अगर आप चाहें तो आप माँ से पूछ सकते हैं। नहीं नहीं, ये सरप्राइज है और वैसे भी मैं ये अभी नहीं देने वाला हूँ उसे। हाँ, 1 साल का ठीक रहेगा, ये अच्छा है। इसे आप पैक कर देंगी प्लीज? एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी, ये शूज भी बहुत अच्छे हैं, आप इसे भी पैक कर दीजिए। ऑफ कोर्स, बहुत अच्छी चॉइस है। ये सब क्या है, समझ में नहीं आ रहा। इतनी सारी चीजें तो मैंने स्कूल में पढ़ी नहीं।
हेलो, तूफान यहां नहीं है, घर में कोई नहीं है सर। ठीक है, मैं भी आता हूं। बोलो जहीर, तुम तो कमाल हो भाई, अंधेरे में भी क्या निशाना लगाया, कमाल कर दिया। आखिर बात क्या है? एक कनेक्शन है, शायद ये तूफान के साथ साधने के लिए काम करता है। ठीक है, लोकेशन भेजो, मैं अभी पहुंचता हूं। इतना सब कुछ होने के बावजूद क्या आमिर अभी भी इस एग्रीमेंट पर काम कर रहा है? मैंने कहा जवाब दो। सर, मिस्टर आमिर ने उसे नहीं देखा। जाओ यहां से, जाओ। क्या हुआ बताओ? आप जैसा चाहते थे वैसा ही हुआ। प्रोसिक्यूटर ने कंप्लेंट देखी, उन्हें पूछताछ नहीं करनी थी और फिर केस बंद कर दिया। निकलो यहां से। ये बार बार मिलना कोई अच्छी बात नहीं। मुझे माफ कर दो लैला, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, बस एक इन्फॉर्मेशन थी। मैं सुन रही हूँ। जब तुमने उस टेंडर वाले दिन के हादसे की बात की तो मैंने सोचा कि कुजुगलू परिवार को मैं अच्छे से जानता हूँ, तो मुझे लगता है कि वो कोई हादसा नहीं था। तो फिर? तो देखो लैला, इस काम को मत छोड़ना। गालिब कुछ खेल खेलने की कोशिश करेगा, अगर तुम चाहो तो मैं नवजात को इन्वेस्टिगेट करने बुला लूंगा। नहीं, उसकी जरूरत नहीं। ये मैंने कहा है तो इसे इग्नोर मत करना, प्लीज। अंदर चले जाओ, प्लीज जाओ। तुम सही थी, मुझे एमर को पाने के लिए नेहान को संभालना होगा। उनके बीच एक सीक्रेट बॉन्ड है जो सबसे छुपा कर रखा है। कैसा सीक्रेट? मैं नहीं जानती, अभी तक मैं कुछ पता नहीं लगा पाई, लेकिन लगता है ये उजान के बारे में है। लेकिन एमर, नेहान सब इसकी चिंता कर रहे हैं। नेहान को क्या फर्क पड़ता है, उसने एमर से डाइवोर्स लेने का सोच लिया है। क्या वो ऐसा करेगी? कुछ भी हो सकता है। अगर निहान और तुम्हारा भाई एक हो गए तो जिस आदमी से तुम प्यार करती हो वही खूनी बन जाएगा। नहीं, ऐसी बातें मत करो आंसू। तुम जानती हो ये सच है, आमिर के साथ रहने की तुम्हारे लिए यही शर्त है। निहान को उस घर का कैदी बने रहना होगा, नहीं तो हम हार जाएंगे।
ज़ैनब, क्या तुम हमें अकेला छोड़ोगी? क्या बात करना चाहती हो? तुम्हारे भाई के बारे में। क्या सरप्राइज है? मैंने सुना तुम्हारे पास एक खबर है। तुम पैशनेट लगते हो मगर आज कमजोर हो। निहान ने घर छोड़ दिया ना? आधी सच्चाई है, वो बस टहलने गई है, जल्दी लौट आई। कैसे? एक सीक्रेट है, किसी से नहीं। अगर तुमने केमाल को परेशान किया ना तो मुझे पुलिस के हवाले करोगी? अगर तुमने मुझसे केमाल को छीन लिया ना तो मैं तुमसे निहान को छीन लूंगी। आई एम इम्प्रेस्ड, लेकिन चिंता मत करो, केमाल को मारना मेरा आखिरी ऑप्शन होगा और तब तक मैं बाकी के तरीके आजमा लूंगा। तुम जो चाहो वो कर सकते हो, लेकिन उसे तकलीफ मत देना, उनकी उम्मीद खत्म कर दो। देखो आंसू, तुम चिंता मत करो। मैंने तय किया है कि मैं रुकूंगा। मैंने केमाल सोएदार को जिंदगी दे दी है। कहाँ हो तुम? बीच पर ही हूँ। उस पर नजर रखो ज़हीर, बाद में वही आदमी हमें ब्लैकमेलर तक पहुंचाएगा। हम अंत के बहुत करीब हैं। जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है सर। बाहर निकलो। चलो बोलो। मुझे क्या बोलना है सर? मुझे तो पता भी नहीं है कि मैं यहां पर क्यों हूं। मेरे पास वक्त कम है और सवाल ज्यादा तूफान। मेरी लिस्ट बहुत लंबी है, समझे? मुझे जवाब दो तूफान, तुमने मुझसे बदला क्यों लिया? कैसा बदला सर? मुझे कुछ जरूरी बात बोलो ताकि मैं तुम्हारी कब्र को सोने से बनवाऊं। मैं जानता हूं कि आप मुझ पर यकीन नहीं करते लेकिन मैं आपसे बदला नहीं चाहता। ऐसा मैं क्यों करूंगा सर, बताइए मुझे, क्यों करूंगा? क्योंकि तुम मेरे भाई हो। आपका भाई हूं मैं? मुझे बेवकूफ बनाने के चक्कर में तुमने बहुत दर्द सहन किया, लेकिन डरे नहीं। मैं आपका भाई नहीं हूं सर। साइंस के खिलाफ मत जाओ, मैंने टेस्ट करवाया है। जरूर कोई गलती हुई होगी। मैं अपनी जिंदगी की कसम खाता हूं, मैं आपका भाई नहीं हूं सर। अगर आप चाहे तो मुझे आप मार सकते हैं, लेकिन यही सच्चाई है। कोई आपके साथ धोखा कर रहा है सर, पता नहीं, लेकिन मुझे कोई टारगेट बना रहा है आपके सामने सर। मुझे मौत से डरने लगता, लेकिन एक दगाबाज की तरह मरना मुझे मंजूर नहीं, बिल्कुल भी मंजूर नहीं है सर। क्या कोई सच्चाई को गुमराह कर रहा है सर, बताइए मुझे, या फिर आपसे कुछ छिपाने के लिए वो मेरा इस्तेमाल कर रहा है? हाँ बताइए सर, सच तो यही कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूं सर, मैं कुछ भी नहीं जानता। मैंने हमेशा आपके लिए अच्छे से काम किया है सर। आप बस इतना जान लीजिए सर कि मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं सर, कुछ भी कर सकता हूं मैं आपके लिए। मुझे गर्व होता कि अगर मैं आपका भाई होता सर, लेकिन मैं आपका भाई बिल्कुल भी नहीं हूं सर। मेरी बात मानिए, मुझे तुम पर यकीन नहीं है। टेस्ट को रिपीट कीजिए सर, टेस्ट को रिपीट कीजिए सर, एक बार टेस्ट को। तुम ही मेरे ब्लैकमेलर हो और मेरे भाई भी, मुझे यकीन है। नहीं सर, मैं आपका भाई नहीं हूं, मैं आपका भाई नहीं हूं। तुम किसके आदमी हो तूफान? किसी का भी नहीं सर। मैं आपके सिवा और किसी का भी आदमी नहीं हूं, और आपको कभी धोखा नहीं दिया है मैंने। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। झूठ मत बोलो, समझे तूफान?
दोबारा टेस्ट करवाइए सर, और आपको पता चल जाएगा कि मैं सच कह रहा हूं। तारिक, मैं एक डॉक्टर को भेजूंगा तूफान के ब्लड सैंपल्स के लिए। उसके बाद हम उसे रिलीज कर दें सर? नहीं, उसे थोड़ी देर के लिए सांस लेने दो। देखो, गाड़ी जहां पार्क हुई है हमारा आदमी भी शायद वहीं होगा, या कोई और कनेक्शन भी हो सकता है इनके बीच। इसका पीछा करते रहे तो मालूम पड़ जाएगा। ये आदमी उस आदमी के पास जरूर जाएगा जिसे हम ढूंढ रहे हैं। उम्मीद है भाई, उम्मीद है। वो तो फोन पर बात कर रहा है, मुझे लगता है वो आने ही वाला है। मैं इंतजार कर रहा हूं। क्या कहा? मुझे कोई फॉलो कर रहा है? अरे यार, लगता है उसे पता चल गया। आपको पूरा है कि नहीं? हाँ, 100% है। हम उस आदमी को देख पाए उससे पहले उसने हम दोनों को देख लिया। ज़हीर, यहाँ रहकर अब कोई फायदा नहीं। ज़हीर, जल्दी निकलो, जल्दी। मॉम डैड घर पर है? यस मैडम। ओजान कहाँ है? अपने कमरे में। किसी को अंदर मत आने देना, मेरा बैग तैयार करना है। लेकिन एमिर सर ने कहा कि बैग मेरे लिए है, अफसाने, मिस्टर एमिर के लिए नहीं, प्लीज। आज के बाद ध्यान देना कि हम ज़ैनब के सामने क्या बोल रहे हैं। उस लड़की को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। चिंता मत करो, उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। अगर उसे पता चला तो वो सब बर्बाद कर देगी, इसे सीक्रेट ही रखो। निहान, हम किससे क्या छुपा रहे हैं? तुम कहाँ थी डियर? हॉस्पिटल से तो तुम गायब ही हो गई। क्या तुम्हें ओजान की चिंता नहीं है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं जानती थी वो ठीक है और वो जल्दी ठीक हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? निहान, तुम हमसे कुछ कहना चाहती थी, वो क्या था? हाँ जी, लेकिन जिंदगी ने मुझे बचा लिया। ओजान कहाँ है? मुझे आप सब लोगों से बात करनी है। ओजान और ज़ैनब अपने कमरे में हैं। पहले तुम हमसे बात कर लो निहान डियर। ठीक है, मेरी बात सुनिए। मैं बहुत जल्द एमिर से डिवोर्स ले रही हूँ। क्या कहा? निहान, तुम्हारे कहने का क्या मतलब हुआ? डैड, आप बहुत अच्छे से जानते हैं ये फैसला लेट हुआ है। एमिर, क्या एमिर इस बारे में जानता है? जानता है, लेकिन भरोसा नहीं करता है मुझ पर। ये तो लॉजिकल है निहान। लेकिन मैं लॉयर से बात करूंगी और केस शुरू करूंगी, फिर ये सब उसे सीरियसली लेना होगा। ऐसा नहीं होगा। पर मैं ऐसा जरूर करूंगी मॉम, मुझे ये सब करने से कोई नहीं रोक सकता। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो निहान? तुम्हें ओजान की चिंता नहीं है? ओजान को कुछ नहीं होगा मॉम। तो तुम कुछ जानती हो, कुछ ऐसा जिस पर तुम्हें यकीन? हाँ, ऐसा कुछ है पापा, मैं इसी बारे में बात करने वाली थी। मुझे अमीर के साथ रहना जरूरी नहीं है। रहना होगा। ओजान, ओजान, मैंने तुमसे कहा था कि अब ये जरूरी नहीं है, समझे? मुझे यकीन नहीं होता तुम मुझसे ऐसे बात करोगी।
देखो निहान, तुम्हें करना तो पड़ेगा, तुम्हें करना पड़ेगा, मैं कह रहा हूँ, वो भी हर कीमत पर। ओजान, क्या हो रहा है, कोई कुछ समझाएगा? नहीं नहीं ऑन्डर, प्लीज कुछ करो। विल्दान, तुम चिंता मत करो, मैं निहान से बात कर लूंगा। आखिर तुम ये कर क्या रहे हो केमाल? आप क्या कह रहे हैं डैड? क्या मैंने जो सुना वो सही है? क्या तुम अब भी उस लड़की से मिलते हो? देखिए डैड, अब आप भी प्लीज उसे मॉम की तरह मत बुलाइए। तो कैसे बुलाऊं? तुम्हें बुरा लगेगा अगर मैं किसी और की बीवी कहूं उसे? तुम्हारे भाई के साथ जो हुआ, मुझे लगा तुम्हें उसके बाद बुरा लगा होगा हमारे और अपने भाई के लिए, लेकिन मैंने कुछ ऐसा सुना जिसके बारे में मैंने सोचा तक नहीं था। आपने ऐसा क्या सुना डैड? यही कि तुम कुछ खतरनाक लोगों के साथ हो जो अजीब काम करते हैं। कौन है ये लोग, उनके साथ काम क्यों करते हो? किसने आपसे ये फालतू की बात कही है? किसने कान भरा है आपके? उस लड़की के बारे में भूल जाओ, क्या तुम्हें पता नहीं कि उसकी शादी पहले भी हो चुकी है? ये बहुत ही अलग बात है डैड। देखो, तुम मुझसे झूठ मत कहो केमाल। देखिए, मैं आपसे कोई झूठ नहीं कह रहा डैड। मैं तुम्हें याद दिलाऊं, क्या तुमने नहीं कहा था कि पापा मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है? जब हमें पता चला कि तुम उस लड़की के हस्बैंड के साथ काम कर रहे हो, तो याद है क्या हुआ था? लेकिन डैड, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैं बस अपने घर नहीं लौटा हूं। मैं एक मकसद से यहां आया हूं। मुझे लगा था कि मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। मुझे लगा था कि मैं गड्ढे से कभी बाहर नहीं निकलूंगा, लेकिन वहां क्या पता है मैंने ये कैसे किया? क्योंकि मैं आपका बेटा हूं डैड। फिक्र मत कीजिए, मैं किसी से नहीं डरता। मुझे डरने की क्या जरूरत है? डरना तो अब उसे चाहिए। मैं किसी से नहीं डरूंगा, मैं आपका बेटा हूं और आपने मुझे यही सिखाया है। आप रोइए मत प्लीज, ये सब आप ही ने मुझे सिखाया है। क्या मैंने तुम्हें सिखाया? हाँ बिल्कुल, आप ही ने तो मुझे सिखाया है कि क्या सही और क्या गलत है। मैं सही हूं इसलिए डरूंगा नहीं। निहान कौसगो मेरी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखती। उसने फैसला कर लिया है, एमिर कौसगो को चुना है उसने। सब खत्म। और तुमने कहा था चिंता मत कीजिए निहान को, मैं भूल गया, और हमने तुम पर यकीन कर लिया था। मुझे एक बात बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? आप सही कह रहे डैड, पर उस दिन कहा था क्योंकि उस दिन मुझे सच्चाई नहीं पता थी। लेकिन आज, आज